हिंद महासागर में चीन की निकल जाएगी दादागिरी, क्योंकि न रूस न फ्रांस न ही अमेरिका बल्कि जर्मनी और स्पेन से आ रहा है समंदर का वो ब्रह्मास्त्र। खास तौर पर चीन की पनडुब्बी के लिए है मौत का दूसरा नाम। भारत जर्मनी और स्पेन से करने वाला है उसके इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। दोस्तों, भारत अब हथियारों को मास लेवल पर बनाने के लिए बड़ी योजना बना चुका है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान भारत में घुसने की नापाक योजनाएं बना रहे हैं और जिस तरह से कल तक सिर्फ LAC तक ही भारत की सीमाओं में घुसने के षड्यंत्र करने वाला चीन अब हिंद महासागर में से होते हुए भारत को जलीय सीमा को क्रॉस करने की योजना बना रहा है, इसके लिए उसने पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को तो पहले ही एक तरह से कब्जा रखा है। और चीन का सबसे ताज़ा कब्जा हुआ है मालदीव पर, जिसको उसने भारत के खिलाफ कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भारत के खिलाफ भी मालदीव का इस्तेमाल करें, लिहाजा भारत को तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। इसके लिए जहां आप जानते हैं कि भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन ले रहा है, फ्रांस से राफेल मरीन की बात चल रही है, रूस से SU-75 चेकमेट और साथ में कई और अहम डील होने वाली है। लेकिन अब भारत एक ऐसे अलग देश से बड़ी डील करने वाला है जो वास्तव में चीन की चालबाजियों पर ब्रेक लगा देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश भारत के लिए डिफेंसिव तौर पर नया देश है। दोस्तों, यह देश है जर्मनी और उसके साथ एक और देश है स्पेन। जी हाँ, भारत ने अमेरिका की नानुकुर के बाद दो नए देशों के साथ ऐसे हथियारों की डील फिक्स करने का फैसला किया है जो किसी भी देश को हैरान कर दे, क्योंकि फ्रांस अमेरिका या रूस नहीं बल्कि भारत ऐसे देश से पानी में तैरती चीनी पनडुब्बियों का काल यानी कि ऐसा फाइटर जेट लाने वाला है जो दुश्मन को कब मौत दे देगा किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि भारत अमेरिका के बीच जिस वजह से भारत ने ऐसा फैसला लिया, और वो कौन से दो देश हैं जिनसे ये दोनों हथियार भारत लेने वाला है। भारत के इस तत्काल फैसले से दुनिया हैरान हो गई है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिए। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी योजना। भारत ने जर्मनी से किया 45,000 करोड़ रुपए का सौदा। भारत के लिए जर्मनी भेज रहा है खूंखार किलर सबमरीन। भारत ने समुद्र पर राज करने वाले ऐसे हथियार पर डील करने का फैसला किया जिसके बाद चीन भारत की तरफ मुंह करने की सोचेगा भी नहीं। आप ये खबर जरा देखिए, भारत जर्मनी के साथ अपने इतिहास का सबसे बड़ा सौदा करने वाला है और इस सौदे में भारत लेने वाला है भारत के लिए वो सुपर खतरनाक पनडुब्बियां जो समंदर पर एक छत्र राज करने वाली हैं। भारत अब चीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदने वाला है। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत P-75I प्रोजेक्ट के तहत 45,000 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदना चाहता है। भारत के इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP से लैस हैं और लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बढ़ती ताकत के बीच भारत लंबे समय से ये डील करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रही। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पनडुब्बी के लिए खुलकर लामबंदी की। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी TKMS ने बनाया है। वहीं स्पेन की कंपनी नेवंतिया ने भारत की LNT के साथ इस पनडुब्बी की डील के लिए हाथ मिला लिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सबमरीन डील दोनों देशों के बीच शानदार परियोजना साबित होगी। तकनीक रूप से केवल जर्मनी और स्पेन की ही पनडुब्बियां भारत के प्रोजेक्ट P-75I के लिए योग्य पाई गई हैं। इसके तहत विदेशी कंपनियों को तकनीक ट्रांसफर करके भारत की MDL LNT के साथ मिलकर ये पनडुब्बी बनानी होगी। जर्मन कंपनी ने पहले LNT के साथ बातचीत की थी, लेकिन बाद में उसने MDL के साथ हाथ मिला लिया। जानकारी के मुताबिक स्पेन अपनी SAT क्लास की सबमरीन के आधार पर भारत के लिए डिजाइन तैयार करेगा। SAT सबमरीन को सबसे पहले साल 2021 में बनाया गया था। इसे साल 2023 में स्पेन की नौसेना को सौंप दिया गया। स्पेन और जर्मनी दोनों के ऑफर पर अभी विचार हो रहा है। जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बर्लिन से सबमरीन के उपकरणों को लेकर लाइसेंस को लेकर नियमों को ढीला करने के लिए कहा है। जर्मनी अक्सर निर्यात को रोक देता है, जिससे भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पनडुब्बी खरीदना चाहता है जो पहले से ही चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद है।
इस तकनीक से लैस पनडुब्बी की खासियत होती है कि ये लंबे समय तक गहरे समुद्र के अंदर छिपी रहती है और दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता। दोस्तों आपको बता दें कि ये पनडुब्बियाँ AIP से लैस हैं और लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों ही देश भारत को इन पनडुब्बियों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। अब ये खेल हो गया है कि भारत ने जिस तरह से गेम खेला है उससे अमेरिका हैरान है, क्योंकि इनको वास्तव में पता ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। खैर, अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत जिस तरह से अपनी ज़रूरत के हथियार किसी भी देश से लेने के लिए तैयार हो चुका है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर हमें बताएं ज़रूर। भारत फ्रांस से भी खरीद रहा है 6 न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों इसके अलावा भारत फ्रांस से भी नई सबमरीन खरीद रहा है। फ्रांस इस समय भारत का रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर फ्रांस भारत को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस 6 परमाणु हमला यानी कि SSN पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में दोगुना इजाफा करने वाला होगा। नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त दरकार है। सूत्रों की माने तो पिछले 4 साल से ये प्रस्ताव सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अटका हुआ था। इसकी वजह से चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई थी। भारत के पास रूस के अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी थी जिसे लीज पर लिया गया था। साल 2021 में इसकी लीज समाप्त हो चुकी है। ऐसे में इस समय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की है। इस बातचीत में उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जो 6 परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने से जुड़ी हैं। चीन जो हिंद महासागर पर चुनौती बनता जा रहा है, इस दिशा में भारत से ताकतवर है। उसके पास 70 से ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं, जिसमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ, 12 परमाणु हमला पनडुब्बियाँ और 50 से ज़्यादा डीजल हमला पनडुब्बियाँ शामिल हैं। दूसरी ओर भारत का पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा साल 1980 के दशक का है। इस वजह से इसकी पुरानी पड़ चुकी क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसे में उसका जवाब देने के लिए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ काफ़ी अहम हो जाती हैं। भारत इस ज़रूरत को समझता और इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत अब 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक 2 की जगह परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देना चाहता है। बताया जा रहा है कि इस वजह से ही भारत ने इसे तैयार करने की अपनी योजना रोक दी है। इसकी जगह अब वो SSN प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। SSN को पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर का हथियार माना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों को काफ़ी महत्वपूर्ण करार दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक SSN गेम चेंजर है। ये काफ़ी सीक्रेट होती हैं और इनकी ताकत असीमित होती है। साथ ही लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और बंदरगाह से दूर काफ़ी दिनों तक और तेज़ गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में ये सक्षम हैं। ये पनडुब्बियाँ कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होती हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियाँ कुछ ही मिनटों में समुद्री युद्ध की दिशा भी बदल सकती हैं।